नंबर वन बनने के लिए क्या आप किसी का नुकसान कर सकते हो? हाय, मैं हूँ कहानी वाली पूजा। हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आपके लिए हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कोटा कोचिंग सेंटर पूरे देश में सबसे फेमस कोचिंग सेंटर था, जहाँ बाकी कोचिंग सेंटर्स के इक्का दुक्का स्टूडेंट्स का नाम मिसिंग या सुइसाइड रिपोर्ट्स में आ जाता। कोटा कोचिंग सेंटर के साथ 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन इसके ओनर मिस्टर धनवान को एक 16 साल का लड़का अनुराग मिला, जिसे वो घर ले आए। किसी काम का बहाना देकर मिस्टर धनवान अंदर के कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। अनुराग ने उनके कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनी और की होल से अंदर झांका। अंदर का नज़ारा देखकर अनुराग डर गया और जाने के लिए मुड़ा ही था कि मिस्टर धनवान के नौकर ने उसके सर पर डंडे से वार किया। अब चलते हैं कहानी में आगे। सर पर वार के बाद अनुराग बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरी गुफा के अंदर उसके पत्थरों से बंधा हुआ था। अनुराग घबरा गया और इधर उधर देखने लगा कि उसे मिस्टर धनवान की आवाज सुनाई दी। अनुराग, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर अगर किस्मत को यही मंजूर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए मिस्टर धनवान अनुराग के सामने आ गए। उनके हाथ में एक मशाल थी। उन्होंने काला कुर्ता पजामा पहना हुआ था और माथे पर एक बड़ा सा लाल टीका था। अनुराग बोला, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है मिस्टर धनवान? मुझे कहाँ पर ले आए हैं? मिस्टर धनवान ने जवाब दिया, 15 सालों से मैं इस शहर तो क्या इस देश को एक से बढ़कर एक टॉपर दे चुका हूँ। वो कोई नहीं सोचता, सब ये सोचते हैं कि जब सारे कोचिंग सेंटर से स्टूडेंट्स का नाम मिसिंग या सुसाइड रिपोर्ट में है, तो मेरे कोचिंग सेंटर का क्यों नहीं? मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है ये। ऐसा कहकर मिस्टर धनवान ने मशाल दाईं तरफ घुमा दी। जानते हैं सामने क्या था? शैतान की मूर्ति। मिस्टर धनवान बोले, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स के बीच नंबर वन बनने का सिर्फ एक तरीका था। मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी और ने नहीं किया, इसलिए मैंने शैतान से सौदा किया। शैतान ने मुझे कोटा कोचिंग सेंटर को नंबर वन बनाने का वादा किया और बदले में मैंने उसे स्टूडेंट्स की बलि दी। इस बार बलि का बकरा मैं ढूंढ ही रहा था कि तुम अपने आप मेरे पास चले आए। जब तुम मेरे कमरे में झांक रहे थे ना, तब मैं अपने कमरे के खुफिया रास्ते से इसी गुफा की तरफ आ रहा था। तुमने मुझे खुफिया रास्ते से जाते हुए देखा और तभी मेरे नौकर ने तुम्हें निशाना बनाया। अनुराग, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान से न जाने कितने स्टूडेंट्स का भला होगा। ऐसा कहकर मिस्टर धनवान ने पास पड़ी तलवार उठाई और अनुराग की तरफ बढ़े। अनुराग ने डर कर आंखें बंद कर ली कि अचानक वहां गोली चलने की आवाज आई। अनुराग ने घबरा कर आंखें खोली तो देखा कि मिस्टर धनवान की छाती में गोली लगी हुई थी और खून टपक रहा था। पुलिस सुप्रिटेंडेंट वहां दौड़ते हुए पहुंचे और बोले, धनवान, मुझे पहले से ही तुझ पर शक था और इसीलिए मैंने अपने बेटे को तेरे घर के बाहर भेजा। दर्द से कराहते हुए मिस्टर धनवान अनुराग को देखते देखते वहीं ढेर हो गए। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपने बच्चे की जान दांव पर लगाकर मिसिंग स्टूडेंट्स की गुत्थी सुलझा दी। कोटा कोचिंग सेंटर पर कब्जा कर लिया गया और उसी की कमाई से मिसिंग स्टूडेंट्स के घर वालों को कॉम्पनसेशन भेजी गई। तो ये थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे कोई किस्से आपके भी हैं जहाँ पे हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर वाली बातें हो रही हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके किस्से को एक पूरी कहानी बनाकर मैं पेश करूँगी अपनी यूट्यूब चैनल पर आपके नाम के साथ। मैं हूँ कहानी वाली पूजा, हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आपके लिए हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। अभी है मेरे जाने का टाइम और मैं मिलूंगी आपको सोमवार को एक नई कहानी के साथ। हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय।